दोस्तों, ये है मेरे घर की छत और मेरे छत के ऊपर मैंने एक शेड बनाया है और उस शेड के ऊपर मैंने अपनी सोलर पैनल को फिट कर दिया है ताकि नीचे का जो एरिया है उसका मैं इस्तेमाल कर सकूं और यहाँ पे मैं एक अपना कमरा बना सकता हूँ, ऑफिस बना सकता हूँ, कुछ भी इस्तेमाल करने के लिए मैं इस जगह का यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन आज मैं यहाँ पे एक ओपन एयर थिएटर बनाने वाला हूँ जिसमें मैं इस प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करने वाला हूँ और सामने की तरफ यहाँ पे एक स्क्रीन लगेगी जो कि वो जो स्क्रीन है वो मैं बनाने वाला हूँ इस सीमेंट सीट से। ये सीमेंट की सीट जो है वो 8 फीट लंबी है और इसकी जो चौड़ाई है वो 4 फीट की है। सीमेंट की सीट मैं इसलिए इस्तेमाल करने वाला हूँ कि धूप में और बारिश में इसको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी और इस सीट को मैं इस तरह के जो GI के पाइप होते हैं उसका एक फ्रेम बनाने वाला हूँ और उस फ्रेम के ऊपर इस सीट को मैं लगा दूंगा। स्क्रीन को तैयार करके पीछे की जो दीवार है उस पर हम लोग सपोर्ट लेके स्क्रीन को खड़ा कर देंगे और यहाँ पे एक झूला भी मैंने लगाया हुआ है, यहाँ पे बैठ के हम लोग उस स्क्रीन के ऊपर मूवी या क्रिकेट का मज़ा ले सकते हैं। और ये जो प्रोजेक्टर है उसे हम लोग यहाँ पे किसी टेबल के ऊपर या फिर ऊपर मैं माउंट कर दूंगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं GI पाइप लेके आया हूँ, उसका एक फ्रेम बना लेते हैं और फ्रेम बनाने के बाद ये जो सीमेंट सीट है उसे उस फ्रेम पे लगा लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैंने फ्रेम को कटिंग कर लिया है, अब हम इसके अंदर वेल्डिंग लगाएंगे और वो सीमेंट का सीट जो है वो स्क्रू से इसके साथ हम लोग फिट कर देंगे और हमारी जो स्क्रीन है वो तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरी स्क्रीन जो है वो तैयार हो चुकी है और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी स्क्रीन जो है बड़ी की है, उसके लिए मैंने एक छोटी सी सीमेंट की सीट एक्स्ट्रा लगाई हुई है। और आज ये दूसरा दिन है, 2 दिन लग गए मैं अकेले ने ये काम किया है इसलिए थोड़ा समय ज़्यादा लगा। और ये स्क्रीन की साइज़ जो है वो यहाँ पे लगभग 110 इंच का स्क्रीन है ये। और यहाँ पे बीच में जो गैप है उसमें मैं वाइट सीमेंट लगा दूंगा और बाद में पूरी स्क्रीन के ऊपर वाइट कलर कर देंगे, लेकिन उससे पहले मैं इस स्क्रीन को जो है उस दीवार पे लगा दूंगा, बाद में हम लोग कलर का काम करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे कलर मैंने लगा लिया है, वाइट कलर स्क्रीन के ऊपर। 250 रुपये का कलर था, आधा बचा हुआ है, अगर ज़रूरत पड़े तो मैं बाद में लगा दूंगा, लेकिन आप देख सकते हो कलर काफ़ी अच्छी तरीके से ऊपर चिपक गया है। लेकिन हमारा काम जो है यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, आप देख सकते हो मेरे छत के ऊपर काफ़ी सारा सामान पड़ा हुआ है, इन सब को साइड में करके इस जगह को अच्छा बनाना है। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरा सारा काम जो है ख़त्म हो चुका है, छत अच्छी तरीके से क्लीन हो चुकी है और अभी हम लोग छत के ऊपर थोड़ी सी लाइटिंग करेंगे, बाद में हम लोग प्रोजेक्टर का सेटअप करेंगे और बाद में हम लोग मूवीज़ और क्रिकेट मैच का मज़ा लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरा ओपन एयर थिएटर जो है वो बन के रेडी हो चुका है, थोड़ी सी लाइट मैंने की है ऊपर से और नीचे से और यहाँ पीछे की तरफ छत के ऊपर मैंने लाइट लगाई हुई है। लाइट की वजह से जो स्क्रीन है वो हमें ठीक से दिखाई नहीं दे रही है, मैं अभी लाइट बंद कर दूंगा,
बाद में देखेंगे इसका रिजल्ट। तो अभी एक लाइव मैच चल रहा है आईपीएल का, लाइव जो है वो अभी हम लोग बंद कर देंगे, तो इसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा आने वाला है। तो अभी आप देख सकते हो रिजल्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे मेरा काम जो है ओपन एयर थिएटर का वो कंप्लीट हो चुका है और काफ़ी अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे प्रोजेक्टर मैंने काफ़ी पुराना लिया है इससे कि जिसका रिजल्ट जो है वो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिलहाल अभी काफ़ी नए नए प्रोजेक्टर 4K प्रोजेक्टर अवेलेबल है अमेजोन के ऊपर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगा वो प्रोजेक्टर के लिस्ट, आप चाहे वो प्रोजेक्टर परचेस कीजिए और काफ़ी सस्ते मिल रहे हैं। और ऐसा ही एक ओपन एयर थिएटर बना के मूवीज़ और क्रिकेट का आप मज़ा ले सकते हो। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर लिख लेना। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।